मैं स्टार्टिंग में फाइट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? कितना है भाई मेरा स्मार्ट किलर? 41 माइनस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन्करर लोबी गेम प्ले ऑफ बग्बी मोबाइल बोलो या फिर बैटल ग्राउंड जो भी बोलो, लेकिन यार पबजी जो वर्ड है इसका शायद ही मतलब क्रेज कम हो, ये इमोर्टल हो चुका है ये वर्ड शायद ही अपनी जबान से जाए। और स्टार्टिंग क्लिप जो मैंने दिखाया था जहाँ पे मेरे पे स्प्रे आ रहा था, क्या मैं वहाँ पे बचता हूँ या फिर नहीं बचता हूँ वो तुम्हें अभी देखने को मिल ही रहा है। अब ये जो दुम 5 में यूज़ होने वाली बाइक है ये लेके मैं जा रहा हूँ एक्सक्लूसिवली, जिसका स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति मिलीसेकंड है और रास्ते में मुझे दिखती है बग्गी। वाव, जैसे इस बग्गी के ऊपर मैं बैठता हूँ यहाँ पे आता है एकदम हेवी वाला स्प्रे और नेक्स्ट लेवल स्प्रे भाई, कॉम्पिटिटिव प्लेयर था ये। लेकिन किस्मत हो तो ऐसी भाई, क्या ही बचे, अगर यहाँ पे हम किल हो जाते तो तुम सोच भी नहीं सकते कितना माइनस होता। मैंने कहा यार इधर उधर बग्गी लेके भगता फिरूँ, इससे अच्छा है इस कंपाउंड पे रुक के भाई जो भी एचपी मिले वो मैं गेन कर लूँ। और लकीली यहाँ पे मुझे एक बूस्टर और बैंडेज मिल जाते हैं। अब सबसे पहले मैं भाई एचपी भरता हूँ बजाय इसके कि गन उठालूँ। अब हो सकता था वो बंदा मेरे पे रश कर दे, लेकिन वो बंदा रश नहीं करता है, वो भी थोड़ा बहुत अच्छा प्लेयर था, थैंक यू भाई रश नहीं करने के लिए। तो भाई यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं निकल लेता हूँ जब तक मेरा एचपी भर दा। और तो भाई अपनी लूट वोट कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ एक एयर ड्रॉप लूटने, क्योंकि भाई एयर ड्रॉप लूटना जिगरे का काम है और मैं जिगरे वाले काम ही करता हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे मुझे M249 और ATX मिल जाता है भाई। M249 है भाई, भले ही एक्सटेंडेड मैग लगाने के बाद 150 गोले हो जाती है, लेकिन क्या मतलब इसका जब आप पहली ही 10-20 गोलियों में ही नॉक हो जाओगे। भाई पहला ही बंदा आप अपन को नॉक कर देता भाई, कितना ही अच्छा स्प्रे मारो, लेकिन यार इसका डैमेज कचरा कर दिया है। अब यहाँ पे मतलब सर्वाइव करने के बाद थर्ड जोन में दो बंदों की फाइट हो रही है जहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करने की कोशिश करूँगा। एक Kar98 का हेडशॉट दे दिया, लेकिन भाई क्या किस्मत रही उसकी भी, Level 3 का हेलमेट था उस पर। और हो सकता है अब जो दूसरा बंदा है ना वो इस पर रश कर दे, इसको मार दे और क्या पता जो भी होगा। अब मैं यहाँ पे जस्ट स्पॉट करने के लिए रुका हुआ था और देखो भाई जो बंदा उसको मार देता है वो मुझे स्पॉट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि भाई उसको पता है कि मेरे पास Kar98 है। और अब जो भी होगा भाई, अब वेट ही कर सकते हैं जब तक वो बंदा हमको विजिबल हो। लेकिन इतने में भाई अगला जोन बन जाता है, चौथा जोन बन गया और 29 बंदे अभी भी जिंदा है, तो भाई अगले जोन में जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला बंदा शायद जोन में हो और वो जगह भी बहुत अच्छी है लेकिन हम जोन में नहीं है, इसलिए मैं तुरंत जोन के लिए रोटेशन दे देता हूँ। और जोन के अंदर एक कंपाउंड है, एक क्या यार 3-4 घरों वाले कंपाउंड है, तो वहाँ पे जाना बेहतर रहेगा क्योंकि। तो भाई अभी मैं फैसला लेता हूँ कि सेंटर में जो भी होगा उस पर पोश कर देते हैं और वो कंपाउंड होल्ड करेंगे। और देखो भाई रोटेशन क्या रहता है मेरा, रोटेशन कुछ खास नहीं रहता भाई, सीधा गाड़ी चलाना है और क्या यार। अब गाड़ी चलाना इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा बंदे के मुंह पे जाके गाड़ी रोक दे, गाड़ी जस्ट एक बार घुमा दो कि बंदा कहाँ है इस कंपाउंड के अंदर। और क्या किस्मत रही है मेरी, कोई बंदा यहाँ पे था नहीं, लेकिन फिर भी यार छुपे हुए कोई बंदे हों इसलिए मैं प्रीफायर सब रखता हूँ, लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पे वाकई में कोई बंदा नहीं था। तो अब ये जो कंपाउंड है दोनों घरों वाले ये मैं होल्ड करने वाला हूँ, लेकिन ये जो कंपाउंड था भाई जोन के सेंटर में था तो बंदे आने का फुल चांसेस था, लेकिन यार बंदे आते है ही नहीं है, क्यों पता नहीं यार। जो सामने वाला घर है वहाँ पे भी एक दो बंदे हैं, गाड़ियाँ 2-3 मुझे दिख रही है और इतने में एक गाड़ी आ जाती है भाई इस कंपाउंड पे, जो कि ब्लू जो घर है भाई वहाँ पे आके रुकी है। तो अब वो बंदे के साथ हमको फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अभी तक किल है नहीं अपने। अब किल भले ही आपको भाई एंड तक टॉप 10 तक भी किल ना मिले ना तो कोई सीन नहीं है। अभी मैं फिलहाल उस बंदे को भाई ग्रेनेड से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस बंदे का भी किस्मत अच्छा था, वो उस तरफ था। अब अगर आप एस पे हो तो भाई आपको किल तो लेने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्कर पे हो तो भाई किल नहीं भी मिलेना कोई भी सीन नहीं है। और वो जो बंदा है भाई धीरे से स्मोक करके स्नाइपर टावर में आ जाता है, पता नहीं क्यों कैसा उसका दिमाग था। जो भी हो अब उस बंदे के साथ हमारी फाइट होगी।
अब जैसा कि मैंने सोचा था ये बंदा वही करता है, मैंने इधर स्मोक कर दिया था कि ये इधर स्प्रे दे, लेकिन मैंने उधर वाला गेट खोला था, अंधा था या फिर बहरा था मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम जोन में आ गए। अब ये जो जोन है अभी अभी मतलब क्लोज नहीं हुआ है, इतने में मुझे इधर से भाई बंदा स्पॉट होता है जो कि बग्गी निकाल रहा था, और वैसे ही जो जोन है वो ज़्यादा डैमेज देता भाई एंड में, और बॉडी शॉट के साथ वो बंदे को किल कर देते। अब इस तरफ जो ओपन फील्ड है वहाँ पर एक बंदा मुझे स्पॉट हो रहा था, लेकिन उसको भाई किसी भी एंगल से मैं किल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने जस्ट वेट किया अगले जोन का। और यहाँ पे सबसे पहले तो रास्ते में स्मोक कर देता हूँ कि कोई मुझे रोटेशन के दौरान फायर ना दे, और यहाँ पे देखो भाई अगले जोन के लिए रोटेशन दे देता हूँ मैं, और आगे भाई किसी ना किसी कोई बंदा पोजीशन होल्ड किए होगा उसको किल करना पड़ेगा। ये देखो गाइस जिस बंदे के पास क्या ही पोजीशन थी, लेकिन तुमने नोटिस करा ही नहीं, ये बंदा अपनी पोजीशन छोड़ के भाई बाहर आया था मुझे मारने। अब इस बंदे को जिगल विगल किया क्या किया मैंने मुझे नहीं पता भाई, किल किया ये जरूर पता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो स्मोक कर देते कि कोई दूसरा बंदा तुरंत रश ना करे। इस तरफ ओपन फील्ड में गेहूँ है, इसके अंदर एक बंदा है, और बीआरडीएम वाले भाई का तो एक अलग ही स्वैग है, ये मतलब वीआईपी लोग है पबजी रैंक पूछ के। अब इस बंदे के साथ मतलब फाइट लेनी पड़ेगी, इसकी बीआरडीएम डैमेज करनी पड़ेगी, जो नेड है वो सारे उठा लेते हैं, और कान एंटी एट अभी कुछ काम नहीं है इसको ड्रॉप करके, और अभी भी हमारा एचपी फुल नहीं है, तो भाई रिलोड करते करते मैं एचपी भर लेता हूँ, अपना बूस्टर लगा लेता हूँ। अब ग्रेनेड करना पड़ेगा हमको उस बीआरडीएम वाले बंदे के ऊपर, और उसके साथ अभी फाइट होने वाली है अपनी। तो भाई यहाँ पे मैं बीआरडीएम वाले से फाइट ले रहा था, और जो गेहूं के अंदर छुपा हुआ बंदा था वो भी लपके लेने लग जाता है, तो अब मैं फंस गया हूँ भाई बीच में दोनों के, और सैंडविच सिचुएशन हो गई है, और बंदे बचे हैं चार। तो भाई क्या लगता है यहाँ से कुछ हो पाएगा अपना चिकन डिनर या फिर नहीं, जो भी होगा तुमको देखने को मिल ही जाएगा आगे। तो गाइस यहाँ पे तीसरा बंदा गेहूं के अंदर छुपे हुए सांप को स्पॉट करने के चक्कर में मारा जाता है, और बचा हुआ बंदा है इस गेहूं के गट्ठर के पीछे। तो भाई यहाँ पे जो भी होगा ना भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड यार, देखते जाओ तुम। तो गाइज यहाँ पर ये भाई कवर का भरपूर यूज़ करते हुए चिकन डिनर ले जाता है, लेकिन यार 1 HP पे जो मैंने ड्रॉप शॉट मारा था उस पर ये बंदा ऑलमोस्ट 5 या 10 HP तो आ ही गया होगा। लेकिन जो भी हो भाई गेम प्ले पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यार
क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारे गेम प्लेज में मैं सेकंड पोजीशन पे ही मार जा रहा हूँ, तो क्या करें यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसलिए यार ये एक पनौती लगी हुई है, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे इसलिए चिकन डिनर नहीं हो पा रहा यार, कर लो यार सब्सक्राइब, जो भी हो अंधाधुंध मतलब आँख मसल के आँख बंद करके कर दो सब्सक्राइब, और अपन मिलते हैं यार एक और नए सोलो कौन करो लोबी गेम प्ले के साथ, चलो यार बाय।